एक नए YouTube चैनल पे व्यूज आने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता होगा, क्या लगता है आपको? आपको जो भी आइडिया लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब बात करते हैं जो रियलिटी है उसकी। तो यहाँ पे रियलिटी ये है कि अभी तक आपने अगर मान लीजिए अपने चैनल पे 20 25 30 40 वीडियो अपलोड कर दी है तो आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे अगर व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे होंगे। मन कर रहा होगा कि चैनल को छोड़ दें, स्किप करके आगे निकल जाएं, मतलब बकवास है, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। और ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके मन में मिसकंसेप्शन ऐसा बैठा हुआ है कि हमने चैनल स्टार्ट किया, एक से दो महीने तक वीडियोज वगैरह अपलोड करी, इसी दौरान फटाफट हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी आ जाने चाहिए, व्यूज़ भी आ जाने चाहिए, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाएं, चैनल मोनेटाइज हो जाए, अर्निंग स्टार्ट हो जाए, मतलब सारा कुछ ओवरऑल एक से दो महीने में आपको चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में इसलिए आती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाले भी लोग हैं जो इस तरह की बातें बताते हैं कि आप एक महीने में सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कर लोगे वैसा हो जाएगा, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बट रियलिटी ये है कि ऐसा बहुत ही कम होता है, मतलब एक दो चैनल्स ऐसे रेयर केस में आपको मिलेंगे जो कि एक से दो महीने में एकदम से बूम करके ग्रो हो जाते हैं। तो अब इस कंडीशन में करें क्या? तो इस कंडीशन में क्या करना है, इससे पहले ये समझो आप कि आप किसी भी चैनल पे वर्क करने आते हो, YouTube पे आपने किसी भी टॉपिक पे चैनल स्टार्ट किया है, हो सकता है कि आपने नया एकदम से पहला चैनल स्टार्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि आपने दो चार बार चैनल स्टार्ट किए, वीडियोज पोस्ट किए, बंद किया, नया चैनल स्टार्ट किया, बार बार ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो अपने अंदर पेशेंस रखा करो आप। अगर आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो पेशेंस रखना होगा, सबसे पहली चीज़ है जो आपको सीखनी होगी। क्योंकि जब भी हम नया चैनल स्टार्ट करते हैं तो उस पर कम से कम अभी के टाइम में एक साल का आपको वक्त देना ही होगा। और एक साल का वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि बस वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वीडियोज पोस्ट करने का मतलब है कि आज जो हमने वीडियो बनाई है, जो हमने चैनल पर आज वीडियो पोस्ट करी, तो दूसरी वीडियो हो सकता है कि हम दो दिन बाद या फिर तीन दिन बाद पोस्ट करें, तो वो जो दूसरी वीडियो आप पोस्ट करने जा रहे हो इससे बेहतर होनी ही चाहिए हर हाल में। कैसे बेहतर होगी वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उस वीडियो का थंबनेल, SEO, हर एक चीज़ बेहतरीन होना चाहिए पहली वाली वीडियो से। और ये चीज़ें कैसी होंगी, जब हम स्किल्स सीखेंगे, सिर्फ ऐसे वीडियोस देखेंगे कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, तो उससे तो थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेंगी और ठीक है, आप देखो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उस वीडियो के अंदर जो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, उस वीडियो को बेहतरीन बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखना है, एडिटिंग करनी है, थंबनेल्स जो क्रिएट करने हैं, इन चीज़ों के लिए तो स्किल्स ही चाहिए। और वो स्किल्स तभी आएंगे जब थोड़ा सा वक्त दे करके आप सीखोगे। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे पैसे दे करके सीखना है, हर एक चीज़ फ्री में YouTube पे ही अवेलेबल है, आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। हाँ, पेशेंस के साथ आपको वक्त देना होगा, चीज़ों को सीखिए, उसको अपने वीडियोज में इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए, रियलिटी यही है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से कहीं से भी जुगाड़ लगा करके सब्सक्राइबर बढ़ा लें, व्यूज बढ़ा लें, चैनल ग्रो हो जाए, पैसे आने लगे, ठीक है, हमें यही लगता है। बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि अपने चैनल स्टार्ट किया, एक डेढ़ महीने में मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ जाए, पैसे आने लगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह का अगर आप माइंडसेट रखते हो तो। तो अगर आपका नया चैनल है तो सिंपल सी बात में आप समझ लो, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने चैनल पर वीडियोज पोस्ट करो, ठीक है। मतलब वो तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में काम करते हो और आपके पास कितना वक्त रहता है। इसके अलावा अपनी हर वीडियोज का SEO जितना बेहतर हो सकता है करो, क्योंकि SEO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो करते क्या है कि अपनी वीडियोज में सिर्फ टाइटल लिखा, वीडियो पोस्ट, उससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है। तो ये गलत चीज़ है, आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपनी वीडियोज का अच्छे तरीके से SEO कीजिए, उसको सीखिए, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे वर्क कीजिए अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हुए। फिर देखिएगा आप जो स्किल्स डेवलप करके अपने वीडियोज में इम्प्रूवमेंट लाओगे ना, वही वीडियोज आपके चैनल को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। यानी कि रेगुलर बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो और वो उसी में से कोई एक वीडियो वायरल होगी और आपके चैनल को रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आपके चार पाँच महीने की मेहनत एक ही वीडियो से पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर आप देखना कि आपका चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और हर यूट्यूब चैनल के साथ ऐसा ही होता है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जिस भी कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं करते। मान लीजिए आपने अपना चैनल स्टार्ट किया व्लॉगिंग के लिए, आप व्लॉगिंग वीडियोज अपलोड कर रहे हो, आपने 20-25 वीडियोज अपलोड करी, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला, अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, आपने वही छोड़ दिया। अब आपने एक टॉपिक क्या डाल दिया, उस पर आप मोटिवेशनल वीडियोज पोस्ट कर रहे हो, उस पर भी 25-30 वीडियोज अपलोड करी, नहीं अच्छा रिस्पांस आया, फिर कैटेगरी चेंज किया, फिर कुछ और पोस्ट करने लगे, तो फिर आपके चैनल पर व्यूज ही नहीं आएंगे,
वो व्यूज ऐसे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपका चैनल डिस्कवर में जाएगा, आपकी वीडियोस डिस्कवर में जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं तो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि हमारी वीडियोज व्लॉग कैटेगरी में है या फिर किसी और कैटेगरी में, और आप बार बार कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो यूट्यूब खुद नहीं समझ में आएगा कि आपकी वीडियोज को किसको सजेस्ट किया जाए, किस तरह के ऑडियंस को आपको वीडियोस को दिखाया जाए, क्योंकि आप कभी कुछ अपलोड कर रहे हो कभी कुछ अपलोड कर रहे हो। तो ये भी चीज़ें नहीं करनी है, आपने जो कैटेगरी सोचा है बहुत सोच समझ करके आपने डिसाइड किया होगा, उस पर वर्क करो, लेकिन उसको बेहतर करते हुए वर्क करो। और उसको बेहतरीन करने के लिए आपके कैटेगरी के अंदर जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनकी वीडियोज़ देखो, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कुछ अपने वीडियोज़ में ऐड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिख रहे हैं अपनी वीडियोज़ की, और उन चीज़ों को आप भी ट्राई करो। जितना हो सकता है, जितना आपको आ सकता है उतना ट्राई करो। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप हुबहू वैसा ना कर पाओ या फिर उनसे बुरा करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट आप करोगे, उसमें आप इन्वॉल्व होगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। और हो सकता है कि आप उनसे बेहतर करने लगो, आपके अंदर उनसे भी बेहतर स्किल्स हो, वो आपको भी नहीं पता होगी। तो चीज़ों को जब आप ट्राई करोगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो सिंपल सी बात है, रेगुलर बेसिस पे वर्क करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट जरूर मिलेगा।